सरकार के अथक प्रयास के बाद तीन नए क्रिमिनल कोड ऑफ बिल्स को पास किया गया है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 24th December 2023 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। CNA करंट न्यूज एनालिसिस में हिंदुस्तान टाइम्स के 21st December 2023 के आर्टिकल के आधार पे पार्लियामेंट के विंटर सीजन में तीन नए क्रिमिनल बिल्स को राज्यसभा से ओपोनेंट एमपी के ना उपस्थिति होने के बाद भी पास किया जा चुका है। लोकसभा में टॉप इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति को भी नियमित करने वाले विधेयक को गुरुवार को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्य की अवधि के लिए विधेयक बिल 2023 पहले ही राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुरुवार को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए तीन नए आपराधिक संहिता विधेयक न्यू क्रिमिनल कोड बिल्स को पेश की और बाद में उसे पारित कर दिया गया, जो कुछ इस प्रकार से है। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को बुधवार को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। वहीं सेंटर ने अपर हाउस में टेलीकॉम बिल 2023 को भी पारित किया है। विधेयक टेलीकॉम सर्विसेज और टेलीकॉम नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचार से संबंधित कानून में संशोधन समेकित करने का प्रयास करता है। इसमें असाइनमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम और उससे जुड़े मामले भी आते हैं, जिसे बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था और पारित किया गया। थ्री न्यू क्रिमिनल बिल्स को लोकसभा में 12th December 2023 को इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे लोकसभा से 20th December 2023 को पास कर दिया गया और राज्यसभा से 21st December 2023 को पास किया गया। इसका मतलब पार्लियामेंट लोअर हाउस में 20th December 2023 को और अपर हाउस में 21st December 2023 को पास की गई। ये थ्री न्यू क्रिमिनल बिल्स को लोअर हाउस में 20th December 2023 को दोपहर में 141 अपोनेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसे 97 MPs को लोअर और अपर हाउस में ताल्लुक रखते थे, को डिसिप्लिनरी एक्ट के कारण सस्पेंड कर पास की जा चुकी है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा कुछ नए अमेंडमेंट के साथ तीन नए क्रिमिनल बिल्स को पास किया गया है। फर्स्ट वन इज भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, जिसे बिल नंबर 170 ऑफ 2023 के द्वारा पास किया गया है, जिसमें की गई बदलाव कुछ इस प्रकार से है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 90 डेज के भीतर सबमिट करनी पड़ेगी। किसी भी केस की जजमेंट हियरिंग के 45 दिनों के अंदर डिलीवरी करनी होगी। DNS 2023 में हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, हमले और गंभीर चोट पहुंचाने पे IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद और कुछ आधारों पर किसी समूह द्वारा हत्या या गंभीर चोट जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं। वहीं BNS में बलात्कार, ताक झांक, पीछा करने और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। सामूहिक बलात्कार के मामलों में पीड़िता को वयस्क के रूप में वर्गीकृत करने की सीमा को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर BNS में चोरी, डकैती, सेंधमारी और धोखाधड़ी पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। इससे पुरानी IPC में कोई बदलाव नहीं की गई है और कोई चेंज नहीं आएगी। इसमें साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं। BNS में दूसरी तरफ देशद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बजाय भारत की सोवरेन नीति, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए एक नया अपराध घोषित किया गया है। BNS में पर्यावरण प्रदूषण और मानव तस्कर जैसे नए अपराध जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी क्रिमिनल और तीसरी क्रिमिनल बिल्स के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। सेकंड वन इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड और BNSS के रूप में भी जाना जाता है, जिसे बिल नंबर 122 ऑफ 2023 के द्वारा पास किया गया है। BNSS CRPC के द्वारा बदलाव की गई है, जिसमें कानून को समेकित और सरल बनाना है। इसके अनुसार BNSS CRPC के कई प्रावधानों को निरस्त और संशोधित करने के कानून को समेकित और सरल बनाना है। अभियुक्त एक्यूज के अधिकारों को मजबूत बनाना, इसके अनुसार BNSS कई सुरक्षा उपाय प्रदान करने के अभियुक्तों के अधिकारों को मजबूत करना है, जैसे वकील का अधिकार, चुप रहने का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। आधिकारिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार, इसके आधार पे BNSS प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और देरी को कम करके आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है। BNSS में किए गए कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार से हैं। फर्स्ट वन इज गिरफ्तारी।
DNSS गिरफ्तारी के लिए आधार का विस्तार करता है और व्यापक मामलों में बिना वारंट की गिरफ्तारी की अनुमति देता है। सेकंड वन इज जमानत। BNSS पुलिस के लिए जमानत का विरोध करना अधिक कठिन बनाता है और व्यापक मामलों में जमानत की अनुमति देता है। थर्ड वन इज जांच। BNSS पुलिस को अपराधों की जांच करने के लिए अधिक अधिकार देता है और उन्हें एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जांच पूरी करने की आवश्यकता होती है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज परीक्षण। BNSS परीक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और अदालतों को एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर मामलों का निष्पादन करने की आवश्यकता होती है। थर्ड एंड लास्ट वन इज भारतीय साक्ष्य द्वितीय बिल 2023, जो बिल नंबर 123 ऑफ 2023 के द्वारा पास किया गया है, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस और अमेंड कर बनाया गया है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम में साक्ष्य एविडेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें कन्फेशन रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट्स और बर्डन ऑफ द प्रूफ को अमेंड की गई है। विश्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर रुख कर चुका है, जिसके इस्तेमाल को इस अधिनियम में बताया गया है। अब देखना है कि हमारी न्याय व्यवस्था नई अमेंडेड बिल को इम्प्लीमेंट कैसे और किस तरह से करती है और इसे हैंडल किस तरह से करती है। क्लोजिंग ऑफ द वीडियो सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।